हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लियाना किंगडम। और कैसे हो आप सब? मैं हूँ लियाना। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, वेडिंग सीजन आने वाला है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो, ताकि आप लोगों की आज मैं करने वाली हूँ हेल्प। तो आप लोगों ने शॉपिंग तो कर ली होगी और ड्रेसेस परचेज कर लिए होंगे, बाय कर लिए होंगे, जो आप लोगों ने वेयर करने हैं वेडिंग में। ठीक है, अब देखो आउटफिट्स ड्रेसेस तो हम लोग कर लेते हैं अच्छे से चॉइस, बट परेशानी कहाँ पर आती है, जहाँ हम लोग परेशान होते हैं, या हेयर स्टाइल क्या करेंगे। तो हेयर स्टाइल चॉइस किया कि नहीं, नहीं किया कोई बात नहीं, आज मैं आपको हेल्प कर देती हूँ, बताऊंगी ट्रेंड में क्या चल रहा है और हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो अभी क्या कर रहे हैं ट्रेंड में, उनके लिए क्या है, क्या चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो है हेयर स्टाइल के ऊपर। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए हिट, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाए। जल्दी से स्टार्ट करती हूँ वीडियो और बताती हूँ कि आप लोग अभी क्या क्या ट्रेंड में और क्या क्या चीजें कर सकते हो। देखो, आज मैं जो हेयर स्टाइल की बात कर रही हूँ ना, वो हेयर स्टाइल है गजरा से रिलेटेड। आजकल मार्केट में जो बहुत ज्यादा पहले चलता था हेयर स्टाइल, गजरा हेयर स्टाइल, वो दोबारा से आ गया है, दोबारा से इन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल लुक अगर जहां पर हम लोग बात करते हैं इंडियन वेडिंग्स की, तो वहां पर गजरा बहुत सुंदर सा लुक देता है। अब देखो, गजरा आप लोग सारे एथनिक वेयर्स के साथ इजीली कैरी कर सकते हो, साड़ीज के साथ और सूट्स के साथ, प्लाजो सूट्स बहुत ज्यादा इन्हें, लहंगा के साथ, तो ये सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है और हमारी इंडियन वेडिंग में ज्यादातर गर्ल्स यही वेयर करती हैं। तो ठीक है, अगर आप लोग करने वाले हो कुछ ट्रेडिशनल सा सुंदर सा ड्रेस, बाय किया है आपने और हेयर स्टाइल नहीं पता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इनके साथ आपको गजरा कैसे कैसे यूज करना है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता रही हूँ कि ओपन हेयर में आप लोग गजरा कैसे यूज कर सकते हो। जो आप लोग ओपन हेयर में करना चाहते हो ना, गर्ल्स करना चाहती है कि यार ओपन हेयर में हम लोग करें, ठीक है, तो बहुत आसान है। या तो आप लोग वाटरफॉल एक होता है हेयर स्टाइल, बहुत सिंपल सा होता है, और दूसरी चीज आप लोग साइड से ना हेयर को ट्विस्ट करते हो, या यहाँ से या तो यहाँ से, या तो ये करते हो। एक दो हेयर स्टाइल्स होते हैं जो साइड्स वाले होते हैं, अब वो साइड्स वाले हेयर स्टाइल जाते हैं बैक तक, ठीक है, बहुत सारी गर्ल्स को पता होगा, और फ्रेंच भी होती है साइड्स वाली। तो अब वाटरफॉल हो गया, फ्रेंच हो गया, ये जो भी हेयर स्टाइल्स होते हैं ना, ये पीछे जो हम लोग टक करते हैं ना इनको, वो बैक में करते हैं ले जाके, और नीचे रहते हैं बाल ओपन। तो हेयर ओपन रहने के बाद जो ऊपर की लेयरिंग आती है वहां पर हम लोग गजरा जो है उसको यूज कर सकते हैं। उसके एक छोटी सी लेयर लेके, छोटा सा गजरा लेके आप लोग वहां पर टक कर दीजिए पिंस के साथ, और उसके बाद देखना वो कितना सुंदर और बिल्कुल डिफरेंट सा लुक लगेगा। आपके हेयर भी ओपन हो गए, आपका हेयर स्टाइल भी बन गया जो आप लोग ने सोचा कि हमें ये बनाना है, और गजरा भी यूज हो गया। तो ये बहुत सुंदर सा एक हेयर स्टाइल है जो अभी मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, स्पेशली है गर्ल्स के लिए, बिकॉज वो ओपन हेयर को रखना बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। और नेक्स्ट बताती हूँ अभी और आप लोग क्या क्या कर सकते हो। अभी ओपन के लिए बहुत सुंदर है और बहुत ही प्यारा सा है, बहुत सिंपल सा है, इस ऑप्शन पे आप इजीली जा सकते हो। तो अगर आप लोग वेडिंग में साड़ी वेयर करने वाली हैं, तो साड़ी के साथ आप लोग मैसी बन जो होता है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, या फिर आप लोग लो बन का यूज कर सकते हो। लो बन भी बहुत ज्यादा अभी है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं कि हमें लो बन बनाना है, वो बहुत इजी होता है, फ्रंट से सिंपल सा हेयर स्टाइल, अदरवाइज थोड़ा बहुत ट्विस्ट होता है फ्रंट से, और बैक में होता है एक बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा बन। तो या तो आप लोग मेसी बन रखो, मैंने आपको बताया, अदरवाइज आप लोग लो बन बना सकते हो, जो हम लोग की स्टफिंग के साथ, डोनट के साथ बनाते हैं, बहुत लोगों को पता होगा। तो उसमें आप लोग गजरा की एक साइड में लेयर लगा सकते हो, तो वो बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा लुक लगता है। अब ये तो आप खुद भी कर सकते हो, आपकी सिस्टर भी कर सकती है, घर में भी हो सकता है, बहुत आसान है। तो ये वाला एक बहुत सिंपल सा लुक था जो साड़ी पहनने वाले हैं, अब इसे गर्ल्स भी कर सकती हैं और लेडीज भी कर सकती हैं, ये सभी के लिए था। अब देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है, आप लोग ब्रेड्स के साथ भी गजरा यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा आसान है। सिंपल सी ब्रेड बनाने के बाद आप लोग उसमें गजरा यूज कर सकते हो, और गजरा यूज करने के बाद वो बहुत अच्छा लगता है। या तो आप लोग उसे ऊपर टक कर दीजिए, अदरवाइज साइड्स में उसके टक कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए, वो बहुत सुंदर लगता है। इसके साथ अगर आप लोग बैकलेस ब्लाउज यूज पहनते हो, अदरवाइज डीप नेक जो ब्लाउज होते हैं वो वेयर करते हो, तो बहुत सुंदर लुक लगेगा और बहुत डिफरेंट लगोगे, बहुत प्यारा सा, ब्यूटीफुल सा एक ऑप्शन है कि आप लोग इस तरीके के ऑप्शन पे जा सकते हो। अब नेक्स्ट जो लुक है, आप लोग ब्रेड और बन के ऑप्शन के बाद आप लोग साइड पोनीटेल कर सकते हो। आजकल साइड पोनीटेल भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, कि गर्ल्स को बहुत अच्छा लग रहा है कि वो लोग साइड पोनीटेल बनाए। साइड पोनीटेल बनाने के बाद आप लोग गजरा साइड पोनीटेल में यूज करो, बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा सा लुक देता है। और उसको करने के बाद ये तो ना आपका, आप लोगों का ना तो बन होगा और ना ही आपके हेयर ओपन होंगे, ना ही ब्रेड होगी,
तो जो साइड का जो पॉनिटेल होता है ना वो बहुत सुंदर लुक देता है। काफी सारी गर्ल्स हैं अभी जो बोल रही हैं कि हम लोग को साइड पॉनिटेल चाहिए। सिंपल सी पॉनिटेल होती है और उसके बाद उसके अंदर गजरा फोल्ड किया हुआ होता है, वो बहुत सुंदर सा लुक देता है। तो गर्ल्स इस ऑप्शन पे आप जाइए, ये अभी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब जो लोग बन के ऑप्शन पे जाने वाले हैं ना, उनके लिए एक चीज कि आप लोगों को किस टाइप का गजरा यूज करना है। देखिए, अगर आप लोगों के बालों की डेंसिटी, आई मीन बाल अगर आप लोगों के लाइट वेट है ना, ज्यादा हैवी नहीं है, तो बहुत लाइट वेट या कम डेंसिटी वाले हेयर के अंदर आप लोग फुल साइज गजरा, बड़ा गजरा यूज कीजिए। तो आप लोगों के जो हेयर हैं वो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपके बालों का डेंसिटी अच्छा नहीं है, हैवी नहीं है, तो वो उसको एक हैवी लुक देगा। दूसरी चीज, अगर जिसकी डेंसिटी बहुत अच्छी है और काफी अच्छा हेयर है, काफी उसकी हेल्दी हेयर है, तो उसके अंदर आप लोग बहुत छोटा गजरा भी यूज कर सकते हो। लाइक मैंने आपको बताया कि एक साइड लेयरिंग भी दे सकते हो। अब साइड लेयरिंग की बात कर रही हूँ तो एक चीज और बताती हूँ, आजकल जो गजरा है वो नेट में भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है मार्केट के अंदर। एक नेट बना होता है गजरे का, जो जो बन होता है बन के ऊपर की ओर यूज होता है, और उसके अंदर वो बहुत सुंदर सा लुक लगता है। तो इस ऑप्शन पे जा सकते हो। अब मैंने जो आपको बताया ना कि जो हैवी है उसपे लाइट वेट यूज करना चाहिए, और जो लाइट वेट है वो हैवी, वो उससे होता क्या, वो एक बैलेंस लुक कर देता है आपके हेयर पे और गजरे पे। अगर आपका बहुत हेल्दी हेयर होगा, काफी अच्छा हेयर है, तो आप बड़ा गजरा लगा दो फुल साइज, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा और बहुत ओवर हो जाएगा, नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए ये एक बैलेंस लुक देने के लिए आप इस ऑप्शन पे जाइए। सबसे सही तरीका यही होता है गजरा चॉइस करने का। तो ये मेरा आज का वीडियो था, कैसा लगा है मुझे वीडियो जरूर बताना। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कैसा लगा वीडियो, और शेयर कर देना सबके साथ, बिकॉज आने वाला है वेडिंग सीजन। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय।